नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। इस चैनल में आपको पर्यायवाची शब्द, हिंदी ग्रामर, विलोम शब्द और मुहावरे मिल जाएंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँच जाए। तो चलिए आज हम जानेंगे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मुहावरे का अर्थ क्या होता है। मित्रों, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मुहावरे का अर्थ होता है कि अपनी गलती ना मानकर सामने वाले को ही दोषी ठहराना। मित्रों, अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मुहावरे का वाक्य प्रयोग जान लेते हैं। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता रहे हैं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की एक लिंक दी गई है, जिस पर क्लिक करके आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ वहां पर कई ज़्यादा वाक्य प्रयोग दिए गए हैं और साथ ही साथ इससे जुड़ी एक कहानी भी दी गई है, जो आपको इस मुहावरे को समझाने में और भी ज़्यादा सहायक होगी। तो चलिए अब जानते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मुहावरे का वाक्य प्रयोग क्या होता है। तो पहला वाक्य प्रयोग है, रमेश ने कभी भी पूरे साल पढ़ाई नहीं की और जब फेल हो गया तो टीचर को दोष दे रहा है कि उसने पढ़ाया नहीं है। इसी को कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दूसरा वाक्य प्रयोग है, पुलिस चोर को पकड़ने गई लेकिन चोर पकड़ जाने पर पुलिस को ही लटा लगाते हुए बोला कि उसने तो चोरी ही नहीं की है, पुलिस खुद चोर है। इसी को कहा जाता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तीसरा वाक्य प्रयोग है, टीचर स्कूल में समय पर नहीं आए तो हेडमास्टर ने कहा आपको समय पर आना चाहिए। इतने में टीचर बोले, सर हम तो समय पर आते हैं, आज ही लेट हो गए हैं, आपको अपना समय सुधारने की आवश्यकता है। इसी को कहा जाता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चौथा वाक्य प्रयोग है, रमेश का जब नौकरी का नंबर नहीं आया तो अपने माता पिता के ऊपर अपना दोष थोपते हुए बोला, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा नंबर तो मेरे माता पिता की गलतियों की वजह से नहीं आया। इसी को कहा जाता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी करें। साथ ही साथ और मुहावरे के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद।